अच्छा अब हमारे पास एक बड़ी मजेदार एक्टिविटी देखते हैं कि आप लोग एक दूसरे को कितने अच्छे से मतलब लाइक आंखों के इशारे समझते हैं कि नहीं। मेरे पास कुछ सेलिब्रिटीज की पिक्चर है, तो कुछ लफ्ज है, सॉरी सेलिब्रिटीज नहीं है, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ लफ्ज हैं, उनको आपने एक दूसरे को गेस करवाना है। सही है, मतलब लाइक तीन चार इसी तरह गेस करवाना। सलमान आपसे शुरू करते हैं, तो आप जो भी लफ्ज है एक मिनट मैं पहले देख लूं, फिर मैं पिक्चर उठानी होगी। अच्छा अनमोल पहले लड़कों को गैस करवा दे, है ना? ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो भाई, तब मैं किधर खड़ा करूं? कैमरामैन बताएं, यहाँ अनमोल इधर आओ, तो दो तीन तुम्हारे जो है वो। सलमान आप आ जाओ। हाँ ये आमने सामने दूसरे गैस करवाएंगे, अनमोल से गैस करवाना है ना? सही खड़ा किया है मैंने क्या? इधर कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्टर से पूछ रही होती हूँ ना। हाँ अच्छा, अब अनमोल तुमने गेस करवाना है मैंने, और सलमान आपने पिक्चर नहीं देखनी, आपने अपनी कुछ इस तरह सर पर पिक्चर रखनी है। और बोल सकती है अनमोल कुछ या वैसे ही रख? हाँ सर पे ताकि हाथों में, ताकि तुम ना ये कैसे करवा? मुझे यूं भी नहीं आएगी नजर, आज से नहीं आएगी नजर, बस ठीक है। अच्छा अब तुम कुछ हिंट्स दो, देख लेना मैं रख देता हूं, हिंट्स दो कुछ भी बोल सकती हूँ कुछ। हाँ कुछ हिंट्स दो ना, मैं हेल्प कर सकता हूँ। सिर्फ ये नहीं, दोनों मिलकर तुम उनको गेस करवाओगे। जिस इंसान के मुझे सोया रहता है, पड़ा रहता है, लाइक उसामा, और मैं कहती हूँ कुछ काम कर लो, कुछ सीन कर लो, दिल नहीं करता। लाइक क्या बोलते हैं उस बंदे को जो लेजी होता है, जो काम नहीं कर रहा होता? लेजी कहते हैं उसे, तो उसे जो पड़ा रहता है उर्दू। अच्छा ये कोई एक्टर नहीं है? नहीं एक वर्ड है, वर्ड है, कोई भी वर्ड गेस कर। अक्सर तुम्हें घर वाले कहते थे ना कि कुछ कर नहीं रहे तुम, वो हो बताया था घर में शुरू में, तुम्हें बोलते थे तुम। नहीं कुछ और, यही इसका दूसरा है, मतलब कुछ काम कर लो तुम, तो बड़े वो हो, मतलब नहीं और कुछ ढीले नहीं कोई काम नहीं करता ये लड़का, नहीं। हाँ वो वही वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, हाँ वही वाला नहीं आ रहा, वही वाला नहीं आ रहा। मैं गेस कर लूं? आजकल जेवर नहीं पहना करो। मैं गेस कर लूं? आजकल जेवर नहीं पहनने चाहिए, उस समय भी कुछ दे सकती हो। आजकल जेवर नहीं पहनने चाहिए, इर्द गिर्द बहुत सारे। हाँ घर में जो काम करने लोग होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, कब कुछ लोग कभी कहते हैं ना कि खाली घर में ही नहीं बाहर भी आजकल बहुत महंगाई की वजह से। यार मैं गेस कर लूं? आ जाओ तुम, आ जाओ भाई, वो 5 बजे का उठता है। देखो भाई बात ये है कि अब बताओ मुझे, बताओ जो मैं तुम्हें बोलती हूँ, तुम कामचोर। सही है, जल्दी से नेक्स्ट हो जाती हूँ। चलो जो नहीं, दोनों को गैस कराओ भाई। अच्छा इसका तो मुझे मतलब भी नहीं। अच्छा हाँ हो गया, रख दूं? नहीं हाँ ठीक है, हो गया। जो अभी तुम कह रहे थे कैरेक्टर के हिसाब से, जैसे आप बहुत ज्यादा कभी कर जाते हैं। हाँ। क्या करते हैं हम? ना छोटे का लिहाज, ना बड़े का लिहाज, उसका बदतमीज का। और क्या वर्ड होता है? बदतमीजी और सरफिरा नहीं क्या? एक बहुत जुबान चल रही है तुम्हारी, जुबान दराजी। ये 5 बजे वाले, तुम भी कुछ सोच लो। जुबान दराज। हाँ जुबान दराज। चलो गैस कराओ, पकड़ो। ये है क्या? अच्छा यार वही जो तुम अपनी अम्मी के हाथ। हाँ घर का खाना, मतलब लजीज खाना। लेकिन ये एक डिश है जो तुम्हें बतानी है। नमकीन है, मीठा है, नमकीन है, मतलब तुम्हें एक डिश है जो बतानी है। खाने का नाम है? हाँ एक डिश है, कुछ और समझ नहीं आता। कढ़ाई में लावा बना लो, मीठा कुछ और समझ आओ। पंजाब में तो बहुत बनते हैं। आलू। हाँ और देखो जरा, आलू का चावल, साथ में 2 चीजें हैं ना, आलू और बैंगन। नहीं आलू बैंगन, आलू गोश्त। जितना मैं बता रही हूँ। चलो और ये क्या है? अच्छा ये कोई किसी जगह है, तुम्हें समझ आ गई ना कौन सी जगह है? एक जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए, समंदर है। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने गेस क्या करवाना था? सॉरी ये जगह जहाँ हर छुट्टी पे सब चले जाते हैं। पैर रखने की जगह नहीं होती। हाँ, कौन सा वाला है वो जगह? ये वाला, ये नहीं अपना डॉल्फिन वाला सीपीयू। हाँ बिल्कुल सही। चलो स्विच करो उसामा, तुम इधर आओ, रखो वापस। हाँ चलो, अब उसामा गैस कराएगा इन दोनों को। तुमने 0 नंबर कमाया है। नहीं मैंने बोला ना सीपीयू, एक हो गया, 1 नंबर हो गया। चलो भाई। हाँ यार नीचे रखो। हर महीने आपकी जेब में सैलरी, पैसे, पैसे उर्दू में बोलो क्या कहते हैं, तनख्वाह, तनख्वाह। गुड गुड गुड। आ रहा हूं मैं आगे, गैस करा में अच्छा चल रहा है तुम्हारा। आगे बोलो, आगे फॉर्म में। हाँ ये बड़े शौक से हम खाते हैं, कभी बाहर जाए तो। हाँ बिल्कुल, एक्शन बना दो, गोल करके ये यार ये तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो कुछ भी नहीं पूरा कर लेते ना ये करके। यहाँ तक नहीं पहुँचाया मैंने, मैं यूँ हेल्प कर रहे हैं ना एक दूसरे को, आगे हेल्प कर रहे हैं गोलगप्पे। अब ये क्या करूँ मैं, तो मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। लेकिन ये यार ये बचपन में हम कार्टून देखते थे, उनकी टॉम एंड जेरी, उनकी मूवी भी आ गई। वो कौन सा सुपरमैन, वो कौन सा शो था, वायरल हुई थी उसकी क्लिप थे, वो ऊपर चड्डी पहन तुम लोग थे उसमें, कौन था कोई यार इसी तरह किसी को दिया था उसमें मैं। अच्छा वो वाला था, ये हारून हो गए, ये और हारून हो गए जो पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, ये सेम तरीके। मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा हंस हंस के बुरा, मैंने कहा क्या क्या ये वो आपने बोला था, ये क्या है निकला था, ये है, ये क्या है, व्हाट्स दैट। नहीं वो तो मुझे समझ आ गई, लेकिन ये अक्सर होता है ना, कहते हैं जिसकी शादी अच्छा होती है और उसकी नहीं हो इतनी शादी, मुहावरा है। लड्डू नहीं नहीं, नहीं। बर्तन अगर आप बनाते हैं कुछ, देखो मैं बताती हूँ उसका। हाँ। एक बहुत मशहूर चीज है, जैसे किसी की शादी पे बारिश हो गई है। हाँ। तुम लोगों को भी पता होगा। हाँ। तो कहते हैं ये किया होगा तुमने। किसी की भी शादी पे बारिश होती है, इन लोगों को वो नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? किसी की शादी पे बारिश होती है ना, तो कहते हैं तुमने ये काम किया होगा सारी जिंदगी, इसलिए बारिश हुई। हाँ। ओ, ये तो नहीं सुना हमने कभी। नहीं सुना। इनकी तो वैसी शादी हो गई है। ये इनकी गुनाह तो क्या होगा? गुनाह नहीं बोल रही यार, मैं आपको आसानी बताता हूँ। जब आप खाना बनाएं तेज आंच पे तो क्या होता है, तो किसी को आदत होती है वो वाली चीज खाने की, आग लगाना नहीं यहाँ तो बात। अच्छा खाने की चीज है ये तो बताओ। नहीं नहीं ये कोई मुहावरा है मेरे ख्याल से, कोई कहावत है। कोई मुहावरा नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है, वर्ड है, एक वर्ड है। कुछ लोग बहुत शौक से खाते हैं, स्पेशली इंतजार करते हैं उस चीज को खाने का। नहीं ये नहीं मुझसे नहीं होगा। हाँ। भाई देखो जैसे बिरयानी बन रही है। हाँ। सही उसको दम लगाते हैं। हाँ। लेकिन नहीं, लेकिन जो दम लगाने के बाद भी उसकी कुछ ऐसी चीज रह जाती है जो बिरयानी ऊपर खाने से ज्यादा वो चीज खाने के लिए इंतजार होता है कुछ लोग। गोश्त, चिकन, आलू, चटनी नहीं 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 नहीं, खुर्चन की बात करें। इनको कभी नहीं मारा खुर्चन को, कैसे भाई ये कहते हैं, ये इसका एक मिथ बना हुआ है। मिथ नहीं होता जैसे बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो कुछ मनूस नहीं पता, ऐसे ही जब किसी की शादी में बारिश होती है तो ये कहते हैं कि इसने खुर्चन खाई हो। मैं सोच रहा ऐसे 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 करके कुछ बता दो आगे। अच्छा हाँ नॉट बैड। रमजान आने वाला है ना, अभी पिछली बतानी है अगली बतानी है? पिछली अगली मतलब लाइक वही दो है। नहीं है, दो है अलग अलग चीजें तो सही यार। रमजान आ रहा है। हाँ। सुबह सुबह सहरी महरी, दही दूध में फेनिया, खजला फेनी। सही है, सही है भाई। हाँ अब क्या है आखिरी? चलो ओए होए पता है ना कौन है ये यार? गेटअप में नहीं है तो तुम पहचान ही नहीं रहे। पंजाब मूवीज एक्टर है। हाँ एक्टर है। हाँ नहीं हीरो तो नहीं है, वो विलन है, विलन है। सबका चीमा बिल्कुल सही। आ जाओ बैठो, तशरीफ रखो और हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वेरी नाइस। क्या बात की है यार, कहाँ से लेकर आए हो सलमान? ये वाला कहाँ से लेकर आए? चीमा भाई आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमें बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, मैं कोई बात नहीं। आप लोगों को बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के ड्रामे के लिए। रात 9 बजे से मंडे टू थर्सडे ARY डिजिटल के स्क्रीन पर नजर आएगा एक सितम और। बड़ी डिफरेंट कहानी है, रिवायती कहानी नहीं है और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा।